यह वह सोनाली का साथ DI 730 डबल आई ट्रैक्टर। आज इस वीडियो में ना इसके बारे में बताऊंगा कि वजह से कितने मॉडल आते हैं इस ट्रैक्टर के, इस समय में जैसे DI 730 डबल आई और इसी में बिल्कुल सेम ट्रिपल आई आ जाता है। डबल आई का मतलब 2 सिलेंडर, ट्रिपल आई का मतलब 3 सिलेंडर। तो इन दोनों ट्रैक्टरों में क्या डिफरेंस है, और जैसे जमींदार भाई ट्रैक्टर लेना चाहे भाई जाने से पहले दुकान पर जाने से पहले उस बंदे को पता लग जाए भाई क्या क्या फीचर है। वैसे आप जाकर एजेंसी में भी जाकर पता करना चाहो तो एजेंसी में भी जाकर पता कर सकते हो, आपको बता भी देंगे। और जैसे हम बात करें जैसे दोनों ट्रैक्टर ना, जैसे 730 डबल आई ये तो है 2 सिलेंडर वाटर कूल्ड इंजन के साथ में, ऑयल बाच एयर क्लीनर आता है इसके अंदर, और जो कि बॉश कंपनी के इनलाइन पंप के साथ में आता है ट्रैक्टर 2 सिलेंडर, जैसे मैंने आपको बताया था। जो एयर क्लीनर इसका वो ऑयल बाथ एयर क्लीनर के साथ में आता है, और ये ट्रैक्टर आता है 30 HP का, 30 HP में ट्रैक्टर आता है 2044 CC का, 30 HP 2044 CC के साथ में ट्रैक्टर आता है। अब बात करते हैं जैसे जो ट्रैक्टर आता है अपना सोनाली का DI 730 ट्रिपल आई, जो ट्रिपल आई 3 आई का मतलब 3 सिलेंडर, 3 सिलेंडर ट्रैक्टर जैसे बॉश कंपनी के इनलाइन पंप वाटर कूल्ड इंजन के साथ में आता है, जैसे 2 सिलेंडर उसका 3 सिलेंडर हो जाएगा यहाँ पे। और वो ट्रैक्टर आता है अपना 34 HP के ट्रैक्टर के अंदर, ऑयल बाथ एयर क्लीनर के साथ में ही आएगा उसमें, और कुछ नहीं है, और मैकेनिकल स्टेयरिंग के साथ में आता है ट्रैक्टर। और अगर हम बात करते हैं जैसे डबल आई जो ट्रैक्टर 730 डबल आई ट्रैक्टर है, इसकी जो SFC है वो आती है स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन है, ये ट्रैक्टर ज़्यादा से ज़्यादा कितना तेल ले सकता है एक घंटे में, तो 213 ग्राम पर HP पर ओवर के हिसाब से है इसकी। और जो अपना PTO HP इस ट्रैक्टर की वो है 26.42 HP, यानी कि जैसे 30 HP का ट्रैक्टर है जो PTO पावर 26.42 HP के साथ मारता है। और जो सोनाली का DI 730 ट्रिपल आई ट्रैक्टर है, जो अपना ट्रिपल आई ट्रैक्टर 3 सिलेंडर ट्रैक्टर हो गया, वो 34 HP का 2780 CC के साथ में, और उसकी SFC है 187 ग्राम पर हावर पर HP के हिसाब से आएगी 187 ग्राम। और जैसे हम बात करें उसकी PTO HP की बात करें तो 30.26 PTO HP की पावर के साथ में मिल जाएगा। अब बात आती है इसके गियर की बात, गियर की बात करें जैसे सेंटर गियर के साथ में आएगा ट्रैक्टर 8+2 गियर के साथ में, 8 गियर आगे के लिए और 2 गियर पीछे के लिए आएंगे इसमें आप लोगों को। ऑयल एंड ब्रेक के साथ में मिलेगा सोनालिका में लगभग जितने भी ट्रैक्टर सभी में ऑयल ब्रेक के साथ में आते हैं ट्रैक्टर 30 HP और 30 HP से ऊपर की बात करें, जैसे आप देख भी सकते हो स्टिकर भी लगा हुआ है ऑयल एंड ब्रेक के साथ में ट्रैक्टर आपने मिल जाएगा। हाँ, एक चीज़ मेन चीज़ जो इनमें मेन जो डिफरेंस है वो चीज़ मैं आप लोगों को बताऊँगा, जो सोनालिका DI 750 730 ट्रिपल डबल आई ट्रैक्टर है ना, ये सोनालिका DI 730 डबल आई जो ट्रैक्टर है इसका जो बोर है 105 का बोर है, 2 सिलेंडर 105 के बोर के साथ में। और जो सोनालिका DI 730 ट्रिपल आई एक आई और लग जाए जो 3 सिलेंडर ट्रैक्टर है उसका बोर है 100 mm का, इसका 105 डबल आई का, 2 सिलेंडर वाले का 105 mm, 3 सिलेंडर वाले का 100 mm। अब बात करते हैं मैकेनिकल स्टीयरिंग के साथ में आता है ट्रैक्टर, अब बात करते हैं इसके टायर साइज़ की, जैसे आप लोगों ने इसका जो टायर साइज़ है वो 12x28 का टायर साइज़ मिल जाएगा। ऑप्शनल में है जो कि जो सोनाली का 730 ट्रिपल आई ट्रैक्टर जो 3 सिलेंडर ट्रैक्टर है उसमें 13x28 का भी मिल जाता है, तो ये चीज़ है। और बात करते हैं भाई सिंगल कलच के साथ में ट्रैक्टर आएगा, PTO अपना जो 540 नॉर्मल अपना लाइव PTO साथ में आएगा, डैशबोर्ड है वो आप देख सकते हो, डैशबोर्ड ऑलमोस्ट सेम ही है इनके सभी के ट्रैक्टरों के, ये मतलब मैंने पहले ही बताया था लेकिन कलर थोड़ा सा चेंज हो गया। सीट है वो एडजस्टेबल सीट के साथ में आएगा, आप एडजस्ट कर सकते हो, आप जो पीछे सीट इंडिकेटर है वो अपना अलग स्टाइल के, जैसे पुराना जो पहले आता था उसी पुश्तैनी स्टाइल के साथ में आता है ट्रैक्टर, मैकेनिकल स्टीयरिंग के साथ में अपना ये ट्रैक्टर मिल जाएगा। और जो फ्रंट टायर इसका बना 6/16 के साथ में आएगा, फ्रंट टायर इसका 6/16 का, क्योंकि तो यही चीज़ आप लोगों को FE के साथ में ये चीज़ आती है ट्रैक्टर में। जैसे आप देखो ये 2 ट्रैक्टर आते हैं भाई, 730 डबल आई 2 सिलेंडर, 730 ट्रिपल आई 3 सिलेंडर, और दोनों ट्रैक्टरों की जैसे HP में फ़र्क है, जो 2 सिलेंडर है वो 30 HP का है, जो 3 सिलेंडर है वो 34 HP का है। इनकी PTO पावर में SFC में बहुत डिफरेंस है, ऑयल बाथ एयर क्लीनर के साथ में आएगा, साइलेंसर वगैरह मुड़गर शो वगैरह सारी चीज़ें एक जैसी होंगी। और जो इसकी लिफ्ट कैपेसिटी है, अगर हम बात करते हैं लिफ्ट कैपेसिटी इसकी है अपनी 1200 kg की, जो 730 डबल आई जो 2 सिलेंडर ट्रैक्टर है उसकी लिफ्ट कैपेसिटी है 1200 kg की, और जो 3 सिलेंडर ट्रैक्टर है 730 ट्रिपल आई ट्रैक्टर जो 3 सिलेंडर ट्रैक्टर है उसकी है 1500 kg की लिफ्ट कैपेसिटी। HP भी ज़्यादा है
और 300 किलो होगी, अपने जो लिफ्ट कैपेसिटी वो भी ज़्यादा है, टायर साइज भी बड़ा मिल जाता है उसमें ऑप्शनल आपको। तो ये छोटी छोटी चीज़ें, ये छोटे छोटे बदलाव थे इस ट्रैक्टर के। जैसे आप ट्रैक्टर लेने जाओगे, छोटा ट्रैक्टर लेना, आपने 30-35 HP का राउंड में लेना है तो आप इसमें भी ले सकते हो। और अपना आप एजेंसी में जाओगे तो आपको डीलर सजेस्ट कर देगा और अच्छे तरीके से आपको बता भी देगा कि वह कौन सा ट्रैक्टर आपके काम के हिसाब से बेस्ट रहेगा। तो भाई यही चीज़ दिखाना और बताना चाह रहा था आप लोगों को। तो भाई जैसी वीडियो लगे कमेंट कर जरूर बता देना, वीडियो पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू दोस्तों।